प्यार करती हूँ उससे। पास खरीदने होंगे। कितना लगेगा? करीब 30,000। मेहरबानी करके मेरी तरफ मत देखो। मैं तो ये बताने आया हूं कि अब ये पार्टनरशिप मैं तोड़ना चाहता हूं। ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकता मैं। तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। क्या फायदा जली हुई रोटी पर घी लगा के? मैं सब लौटा दूंगा ब्याज के साथ। मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? आप मेरी पेंटिंग्स रख लीजिए। सारी सोच लो। प्रेस तो दोबारा शुरू करनी है ना? ठीक है। और फिर प्लेग की महामारी फैलने लगी। प्लेग हमारे शरीर में नहीं, हमारी आत्मा में है। अंग्रेज सरकार हमें चूहों की तरह मार रही है और हम चुप हैं। क्या हम चूहे हैं? इस कलाकार के सारे चित्र चला देने चाहिए और उनके साथ इसे भी। टके टके के भाव में देवी देवताओं को बेचा है इसने। अंग्रेजों का पिट्ठू है ये। मिस्टर पंडित, ये अदालत है, सोच समझ कर बात करो। सोच समझ कर ही बोल रहा हूं महाशय। ये एक षड्यंत्र का भाग है, हिंदू धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र। इसलिए तो देवता नाराज हैं, महामारी भेजी है उन्होंने। क्या मतलब? ये प्लेग, ये दैवी प्रकोप नहीं है तो और क्या है? हजारों मरे हैं, लाखों मरेंगे अगर इस पापी को रोका नहीं गया तो। अंग्रेजी पिट्ठू! ये पाचन कहां मर गया? घोड़ों को पानी पिलाने गया होगा। क्या क्या घूर रहे हो? सिंह लगे मेरे सर पे। ब्रेक तुम्हें खा जाए, पकड़ो इसको। पागल हो गए सबके सब? अरे भागता कहां है? मुझे मारोगे? मारो मुझे। Nobody will talk shit. मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मारो मारो मारो। चूहे, चूहों ने गंदा किया है इन्हें। अब क्या करें इनका? करना क्या है, साफ प्रिंट के बीच में रख के पार्सल कर दो, रास्ते में फूट जाएगा।
ये ठीक नहीं है। मैं इस कंपनी का पार्टनर, मुझे मत सिखाओ सही क्या है गलत क्या है। 3,000 का घाटा होगा कौन उठाएगा? मेरे भाई मैं और ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। इस ब्लैक के टाइम में तुम्हारी कला फलक की किसको पड़ी है? क्या पार्सल कर दो। चला दो इन्हें। मैंने उनके सपनों को धुआं होते देखा है, वक्त से पहले उम्र को ढलते देखा है, दुखते हुए दर्द को देखा है, लेकिन कभी हिम्मत हारते नहीं देखा। चिंतामणि जी आए। राजी, हम कोर्ट केस वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ ईश्वर और जनता से माफी मांगनी होगी, अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। 5 दुधारू गाय ब्राह्मणों को दान करो, 11 दिन का उपवास रखो, 21 डुबकी गंगा में लगाओ और 31 दिन तक मंदिर की सीढ़ियां साफ करो, समझे? आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मेरे भविष्य का फैसला कोर्ट ही करे तो बेहतर है। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अभी बहुत काम है। इतना मिथ्याभिमान, ये अंग्रेजी कोर्ट भले ही तुम्हें छोड़ दे, ईश्वर तुम्हें दंड देगा और वो तो बाद में, पहले जनता सजा देगी। मैं इंतजार करूंगा। सामान बांधो रवि वर्मा, बंबई में अब तुम्हारे दिन पूरे। जी, जैसा आप कहें। और तुम आइंदा कभी अपने इस मूर्ख कलाकार भाई के लिए मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। चलो कुछ उधर। कौन है? बक्कू भाई आओ। रघु बोलो, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तू चल। अरे आज के दिन दुकान बंद रहती है ना, तो गया था मैं कानिया हजाम के यहाँ। अब लौटते हुए सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। बड़ी मशहूर हो रही है तुम्हारी लड़की, ये देखो। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। कानिया हजाम ने लगा रखे अपनी दुकान में ग्राहकों को खुश करने के लिए। मैंने 4 आने में खरीदे कानिया से। 4 आने में खरीद ले सारे। कितना खरीदोगी बक्कू भाई, गली गली में तो बिक रहे हैं। बड़ी ने जो गुल खिलाना था खिला दिया, अब छोटी का जो कुछ तय करना हो कर लो, नहीं तो वो भी हाथ से चली जाएगी। छोटी, अरे लकवा मारा है तो क्या हुआ, सेठ तो है। शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से। अरे हरामजादी, देखिए तूने क्या किया, मुंह काला कर दिया हमारा। रांड कहेंगे? गिरा दो। अरे यार ये चांद क्यों आ गया, अभी तो पूरा दिखा दे।